नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे सुनकर देखकर कोल्ड स्टोरेज से जुड़े हुए लोग, मंदड़िया किसान विरोधी लोग और पटुआ और यहां तक कि आलू बेच चुके किसान लोग बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। बौखलाहट का नतीजा आपके सामने स्पष्ट रूप से है। कभी मीडिया का सहारा लिया जाता है तो कभी न्यूज़पेपर का तो कभी जो है सोशल मीडिया का। हद तो तब हो जाती है जब भिखारी जैसे देशों से भारत के लिए आलू आयात की बातें कही जाती हैं कि किसान समझते हैं ये लोग मूर्ख है, किसान को किसी तरीके से मूर्ख बना लिया जाए और किसान जल्दी से अपना आलू घबराहट में आके बेच दे और हम उस आलू को अपने कंट्रोल में ले लें और उस पर जो है मुनाफा कमाएं। लेकिन सोनू चौधरी के होते ऐसा संभव नहीं है। किसान साथियों, इन्होंने उद्यान मंत्री का एक कूट रचित उनके बयान को तोड़ मड़ो के पेश कर दिया। इन लोगों ने तमाम वो सारे हथकंडे अपनाए और यहां तक कि एक ऐसे देश से जो कि खुद भारत के भीख पर पल रहा है, उस देश से आलू आयात की बात की कुछ लोगों द्वारा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पे वायरल की जा रही है। इनकी हताशा और बौखलाहट का इस कदर नतीजा है किसान साथियों कि आलू दिन प्रतिदिन और चढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर आलू अभी आगे और चढ़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरी रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिलेगी जिसे ना किसी का बाप कल मेट पाया था, ना आज मेट पाया, ना कभी भविष्य में मेट पाएगा, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट को जो है काट के दिखाए या झुटला दे, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एक ना एक दिन आप सभी के सामने आ ही जाती है। लेकिन जो सोनू चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं, जो आलू में पूरी तरीके से तेजी लेना चाहते हैं, वो इस बात को भली भूभांति जान चुके हैं कि सोनू चौधरी हमेशा किसानों का हित चाहता है और अगर आज किसानों को आलू के सही रेट में लेना तो किसान साथियों इसमें मेरा तो बहुत क्षण भर का योगदान है, लेकिन आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने एक ऐसे एक नाजुक वक्त में जब लोग जो हैं आप लोगों को तोड़ने के लिए, आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए, आप लोगों से आलू को लेकर एक कौतूहल का विषय बनाया जाता है, लेकिन उस समय पर आपने जो आत्मबल बाहुबल और बुद्धिबल का जो प्रयोग किया है ना, आज उसी की देन है कि कोल्ड स्टोरेज पर आलू जो है 1600 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है क्रॉस कर गया है। हाइब्रिड आलू भी कहते हैं ना कि एक कहावत है गांव में, बथुआ के साथ में खतुआ भी ना वो चला जाता है, यही हालत है। अच्छे आलू जहां 1600 1650 रुपए प्रति कट्टा की न्यूनतम दर पर बिक रहे हैं, तो वही हाइब्रिड आलू भी अब जो है अच्छे आलूओं की कदमताल करने लग गया है, जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो है कोलंबा, हॉलैंड, R1 और किसान साथियों जिस आलू को लेकर आप में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, हालांकि बहुत कम लोग इस आलू को करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो इसका अच्छा बेनिफिट लेते हैं। 1540 रुपए प्रति कट्टा में इन दिनों सादाबाद में कोलंबा, जो कि अपने नाम से ही जाना जाता है, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी भी बोली जाती है, साथ में इसमें जो है प्रति एकड़ जो है पैदावार भी बहुत अच्छे उस पर निकलती है। अगर हम मोटे तौर पर माने तो एक एकड़ में 350 से 400 पैकेट यानी कि कट्टे जो है कोलंबा की प्रजाति में निकल आते हैं। और इस समय पर आलू की क्वालिटी, आलू की ग्रेडिंग और आलू की लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी यानी कि आप ऐसे जो है 7 से 8 दिन तक आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, कोई भी डैमेज की शिकायत नहीं आती है। चूंकि बहुत कम लोग जो है कोलंबा को करते हैं और कोलंबा एक ऐसी प्रजाति है जो कि के मोहन के भी छक्के छुड़ा रही है। शुरुआत में के मोहन ने जरूर दम दिखाया था मई के अंत तक कि 1300 1350 रुपए कट्टा के मोहन बिका था, लेकिन के मोहन की भी गाड़ी जो है उसी रेट पर अटक गई।
लेकिन कोलंबा ने जो शुरुआत की है वो 1500 रुपए प्रति कट्टा से शुरुआत की है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा तेजी आएगी। अब किसान साथियों, तेजी का नाम सुन के कुछ लोग जो है बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। बौखला कौन जाते हैं आपका पता है? कभी आप लोगों को नहीं पता है ना, तो मैं आज आपको एक चीज बताई देता हूं। किसान साथियों, जिस तरीके से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, पहला रिपोर्ट आप जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि मैं आपको समझाने में थोड़ा असमर्थ साबित हूं, लेकिन फिर भी आप अपना दिमाग से दौड़ा लीजिएगा। यह है अमर उजाला की कटिंग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आलू 40 रुपए किलो और प्याज 50 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो। किसान साथियों, ये है आम आदमी के लिए कीमतें, लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यदि हम देखें आलू की कीमतों को लेकर, अखबार कह रहा है 40 रुपए किलो आलू, और अगर हम 40 रुपए किलो आलू से भी तुलना कर लें 50 केजी के, तो 2000 रुपए प्रति कट्टा जो है आलू मंडियों में बिकना चाहिए, निश्चित तौर पर बिकना चाहिए जब 40 रुपए किलो तक आलू जो है दिल्ली में बिक रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें से जो है कह दें कि भाई आलू जो है इसमें जो है 40 रुपए किलो तब ये बिक रहा है, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसपोर्ट लग रहा है, आड़ती का चार्ज लग रहा है, पल्लेदारी लग रही है। अगर हम 40 रुपए में से, क्योंकि 2 रुपए किलो की जो है पल्लेदारी लगती है, कुछ 2 या 3 रुपए का आड़त लगता है और 2 या 3 रुपए का ट्रांसपोर्ट लगता है, यानी कुल मिला के 40 में से अगर हम जो है 5 या 6 रुपए कम कर दें तो 34 रुपए किलो। अब 34 रुपए किलो से आप जो है क्या गणना कर लीजिए, 34 रुपए किलो से 50 केजी के रेट जो है कितने हुए। क्योंकि देखो, मैं सीधा सीधा स्पष्ट कहने वाला इंसान हूं और लोगों की आंखों में बस सोनू चौधरी ही चुभता है। अगर हम जो है 34 रुपए किलो से 50 किलो आलू के भाव को प्राप्त करते हैं, तो किसान साथियों देख लीजिए 1700 रुपए प्रति कट्टा, और दिल्ली में क्या हालत हो रही है 1400 भी नहीं है भाई साहब, 1350 रुपए। अब ये अब अगर हम देखें 1700 है, ये 1700 है, और 1700 में से अगर हम जो है इनका जो कमीशन है, जो कि एक यूट्यूबर मार, तीनों यूट्यूबर मारते हैं 100-100 रुपए गाड़ी लगाने के, आड़ती मारता है और मतलब जो सप्लायर है वो मारता है, तो अगर हम इसमें से 300 रुपए घटा दें तो 1400 रुपए प्रति कट्टा आलू। लेकिन आजादपुर मंडी में ये भी नहीं बिक रहा है। इतना डिफरेंस आप जो है इससे लगा लीजिए कि दिल्ली में आलू जो है फुटकर में 40 रुपए किलो, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट, आड़त और पल्लेदारी का खर्च लगा के 34 रुपए किलो तक बताते हैं। तो पूरा घोलमाल कहां पर है? पूरा घोलमाल स्पष्ट रूप से है, क्योंकि इसमें से 100 रुपए जो है गाड़ी लगवाने के लिए यूट्यूबर मार रहा है, 100 रुपए आड़ती मार रहा है, और 100 रुपए किसान साथियों आपके आलू पर, जो आप कोल्ड स्टोरेज पर आलू बेचते हैं वो व्यापारी मार रहा है। 50 रुपए कहां मर रहे हैं? वो कोल्ड मालिक मार रहा है। तो हो गया। अब दिल्ली में आलू के दाम नहीं बढ़ने का कारण स्पष्ट रूप से ये है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर किसी किसान में इतनी हिम्मत हो जो मेरे साथ खड़े होकर कदम ताल मिला सके, तो मैं दिल्ली के आड़तियों की ऐसी बखिया उधेड़ू कि आपको आलू के 1700 या 1800 रुपए प्रति कट्टा के भी दाम जो है मिलने लग जाएंगे। क्योंकि इसमें किसान साथियों आपका पूर्ण रूप से सहयोग होना बेहद आवश्यक है। अक्सर मैं देखता हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि किसान साथियों इसमें सिर्फ आपका हित जुड़ा हुआ है, कोई भी यूट्यूब पर आपको इतनी सटीक जानकारी नहीं दे रहा होगा जो सोनू चौधरी के माध्यम से आपको शुरुआत से ही जानने और देखने और परखने को मिल रही है। जो जो सोनू चौधरी ने कहा वो आप लोगों को धरातल पर दिखाई देने लगा। बदले में सोनू चौधरी आपसे क्या मांगता है? बदले में सोनू चौधरी आपसे बस इतना चाहता है, भाई बंद के नाते से, कि आप सभी लोग चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लें, और वीडियो अपने किसानों के हित में ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये ऐसे लोग, ऐसे मंदड़िया, अराजक तत्व, दलाल टाइप के आड़तिया, दलाल टाइप के व्यापारी और दिल्ली के यूट्यूबर, इनका चेहरा बेनकाब हो,
इनके जो किरदार है ना, इस पे से पर्दा उठना चाहिए। बहुत बड़ी स्तर पर जो है दिल्ली के आजादपुर मंडी में चोर बाजारी हो रही है, और वो भी आप किसानों के नाम पर। और सुबह से ही निकल बैठते हैं, जानकारी घंटा होती नहीं है। आड़तियों से पैसे, आड़तियों से भी मिलते हैं, गाड़ी लगवाने के भी पैसे मिलते हैं, गाड़ी लगाने के भी पैसे मिलते हैं। और देखिए, एक यूट्यूबर ने तो अपना एप्लीकेशन भी चालू कर दिया है कि आप ऑर्डर दीजिए, इससे जो है हम आपको और पूरे दिल्ली या दिल्ली एनसीआर आसपास में सप्लाई करेंगे। और सप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर जब वो सप्लाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर भी कमीशन मार रहा होगा। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए दिल्ली में जो चोर बाजारी है वो एक बड़े लार्ज स्केल पर है, और जिसे आपके सहयोग से ही हम जो है बेनकाब कर सकते हैं। हालांकि देखिए, स्थितियां स्पष्ट एकदम हो चुकी हैं, लेकिन आज भी आप लोगों के अंदर एक भय का माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। और जिन लोगों को आलू में अच्छा रेट चाहिए वो शांत बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने अपना आलू या तो बेच दिया या आलू पर व्यापार कर रहे हैं वो कमेंट में लिखेंगे, मेरे अभी वीडियो देखने के बाद में मेरे यहाँ तो 1100 ही नहीं लग रहे, मेरे यहाँ तो 1200 ही नहीं लग रहे। उनका खेल क्या होता है पता है किसान साथियों? आप जब भी मेरे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, चैनल के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो आप वहां पर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा कि हमारे यहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन इनका एक मकसद होता है, जो भी सोनू चौधरी के चैनल पर यानी सादाब केसरी के चैनल पर जाके उसका कमेंट बैक्स चेक कर रहा होगा तो वो देखेगा यार वहां पे तो बहुत सस्ता मिल रहा है, वहां पे बहुत सस्ता मिल रहा है। ये इनका मकसद क्या है कि आप लोगों के अंदर किसी भी तरीके से घबराहट पैदा करना, जिससे आप जल्दी से जल्दी आलू बेच जाएं और ये वो मुनाफा कमा लें। किसान साथियों, मुझे अक्सर केवल एक बात का दुख होता है जब मैं आप लोगों से कहता हूं, कभी भी किसी के भी आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि हक मांगने से नहीं छीनना पड़ता है। आप अक्सर जो है लेडीजों वाली पंचायत करते हैं, कोई हमारा 1400 ही ले ले, कोई 1500 ही ले ले। अरे यार देखो, जिगरा कह रहा है आपका आलू 2000 रुपये पार कट्टा बिकेगा, और इसका स्पष्ट रूप से मैं उदाहरण अभी दे देता हूं। लेकिन आप सभी लोग इतना याद रखिएगा, यहाँ सोनू चौधरी आपसे ये कहने नहीं बैठा है कि आप आलू निकालिए, कि आपको हर रेट लेने चाहिए या मौके पर चौका मारना चाहिए या जो है हर लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो करना है बस एक बार में ही करना है, धावा बोलना है ना, तो सीधा धावा, और वो भी निशाने पर। आपको आलू के अच्छे रेट लेने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। किसान साथियों, देखो मैं आप लोगों को सीधी सीधी, इसका तो एक दिल्ली का तो एक स्पष्ट रूप से उदाहरण था, अब इसी से आप जो है कंपेयर कर लीजिए कि जो है अभी हम जो है फुटकर मार्केट में जाते हैं ना, अभी हमारा आलू अगर हम अपने खंदौली सादाबाद और जो है टूडला या सिरसागंज या जो है इटावा की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसान का आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर जो है खरीदा जा रहा है। और जब 1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर, देखो ये 37-97 के रेट हैं, कोई भी किसान जो है इसे अभी उससे मत जोड़ लीजिएगा क्योंकि मैं अलग अलग करके बताऊंगा। अभी ये 37-97 के रेट हैं, 1600, 1500, 1600 रुपये। और अगर हम देखें तो 1600 रुपये से अगर उसमें से 1600 रुपये वो कर लीजिए, आज जब हम बाजार में जाते हैं तो ये आलू हम 1600 रुपये प्रति कट्टा बेच रहे हैं, उस आलू का कीमत बाजार में पहुंचते पहुंचते जो है किसान साथियों 40 रुपये किलो हो जाती है। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए कितने बड़े स्तर पर दलाली यहां पर भी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपके आलू, आपका ही उत्पादन, और राज करने वाले ये, मुनाफा कमाने वाले ये, और आपके अंदर घबराहट पैदा करने वाले ये, आपका आलू सस्ती दरों पर खरीद कर महंगा बेचने वाले ये, आपके आलू को मंडियों भेजकर मुनाफा कमाकर कोल्ड स्टोरेज खरीदने वाले ये, कॉलोनी काटने वाले ये, और यहां तक कि किसान साथियों आपको बर्बाद करने वाले भी ये। यूट्यूबरों पर ठीक रहा ये लोग फोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम जो है आप लोगों को वो जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप लोगों को आलू में आज अच्छे से अच्छा भाव प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि आपको आलू के अच्छे भाव प्राप्त हों। इन लोगों का एक मकसद होता है, किसान घबराहट में आके आलू निकालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ किसान घबराहट में नहीं, किसान 4 साल से पिटा हुआ बैठा है। अगर इस साल किसान को कुछ उम्मीद नजर आ रही है तो हमें किसान का हर कदम पर साथ देना होगा। यदि हम किसान का हर कदम पर साथ देंगे तो ही किसान हमारे साथ जो है डट कर खड़े रहेंगे, अन्यथा आज इस कोल्ड में है, कल जो है अगले साल किसी और कोल्ड में चले जाएंगे। लेकिन किसान को जो हित देखता है वही जो है इस देश पे राज करता है।
किसान साथियों, छोटी सी बात है, मैं ज्यादा लंबी वीडियो करूंगा नहीं, बस दो शब्दों में ही वीडियो को जो सार है उसको मैं बताई देता हूं और उसके बाद में मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी दूंगा। किसान साथियों, पहला, चाहे आप हाइब्रिड किसान हो चाहे चितसोना किसान हो, 37-97 किसान हो, अगर आप में धैर्य संयम बनाए रखने का साहस है, आपका पाम जो है अंगद की पैर की तरह एकदम जमा हुआ है, लठ सा गाड़ रखा है, तो कदापि विचलित मत होइएगा। ये अपने माँ बहन एक क्यों ना करवा लें, झुकना नहीं। अगर आप झुक गए और आप अपने आलू को बेच गए तो आने वाले दिनों में जो 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा पे जो बढ़ने वाले रेट हैं, उसे आप नहीं ले पाएंगे, उसे ये लोग ले जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊंगा अभी। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, इस समय पर बदायूं में 32% की निकासी हो गई, संभल जिले में इस वक्त 33 से 33.5 कहीं 34% तक की भी निकासी है। निकासी एक बड़े स्केल पर है और बड़े स्केल पर है तो इससे ये समझ लीजिए, क्योंकि पैदावार पहले से ही कम थी। जब पैदावार पहले से कम थी तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि 34% आलू आपके चिप्सोना बेल्ट, जो शुगर फ्री बेल्ट है, उसमें से जा चुका है। तो आपका, अगर मैं रुहेलखंड की बात करूं जिसमें 7 जिले आते हैं, यहाँ पर जो है 70% की कोल्ड स्टोरेज जो है वर्ष 2024 में लोड हुए थे और इसका 50% जो है आलू जो है अब तक कोल्ड स्टोरेज से रिलीज किया जा चुका है एक भय के माहौल में, और जो है 15% जो है इसमें बीज का जाएगा, 50% और बचा कितना, 20%। अब 20% पर ही ये जो है राउंडेबल खेल खेला जा रहा है। दिल्ली के आड़तिया कमीशन मार रहे हैं, सबसे बड़ा कमीशन मार रहे हैं दिल्ली के यूट्यूबर, जिन्हें आप अपना आका, अपना भगवान और अपना बाप समझ बैठे हैं कि ये हमें सच्चाई दिखा रहे होंगे। ये सच्चाई नहीं दिखा रहे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सच्चाई नहीं दिखा रहे। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने प्रति कट्टा पे 100 से 150 रुपए का कमीशन आड़तियों से चाहिए, वो भी गाड़ी लगवाने का। आड़तियों को चाहिए 100 रुपए का कमीशन, 50 से 100 रुपए का कमीशन चाहिए इन व्यापारियों को जो गाड़ी कोल्ड स्टोरेज से जो है मंडियों में लोड कर रहे हैं। और इन लोगों की बदौलत ही किसी किसी दिन दिल्ली में स्थितियां ये हो जाती हैं कि जितना आलू वहां पहुंचना चाहिए उतना ना पहुंच के एक्स्ट्रा गाड़ी पहुंच जाती है। जब एक्स्ट्रा गाड़ी पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर इनका प्रयास रहता है कि मार्केट जो है लुढ़के, लेकिन परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन्होंने के जितने भी प्रयास हैं वो सारे विफल साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक यूट्यूबर का तो किसान विरोधी चेहरा आप जो है सामने देख चुके हैं और दूसरे का भी धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। तो ऐसे में आप समझिए कितना बड़ा फ्रॉड गिरी यहाँ पर आपके रोहिलखंड इलाके के 10 जिलों के साथ में ये लोग जो है कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, 20% आलू है और दिसंबर तक चिप्स वाला आलू चाहिए ही चाहिए शुगर फ्री में, क्योंकि इस समय पर टोटल आलू जो है जूट वाला उसमें जो है शुगर हो चुकी है, यानी शुगर फ्री आलू का डिमांड इन दिनों में होती है, लेकिन जूट वाला आलू जो है मीठा हो चुका है। अब लोग मीठे आलू को ना खरीद कर जो है शुगर फ्री आलू को खरीद रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में शुगर फ्री आलू के रेटों में 300 से 400 रुपए का उछाल जो है देखने को मिलेगा। और ऐसे में विशेष सावधानी और संयम आप सभी लोग बरतिए, अन्यथा इस तरीके के जो ये कमेंट मेरे ग्रुप मेरे चैनल पर डाल रहे हैं या ग्रुपों में डाल रहे हैं या उसमें डाल रहे हैं, इनका सीधा मोटिवेशन है किसी तरीके से किसान के अंदर घबराहट पैदा की जाए। और किसान साथियों, आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बादाम खाओ, छुआरे खाओ या खाओ अखरोट, या सबसे बढ़िया चीज मैं बता देता हूँ, दूध में डाल के शिलाजीत पियो, हृदय को इतना मजबूत कर लो। कोई भी कितना भी बकवास करे, कितना भी अफवाह फैलाए, किसी की बातों में नहीं आना है। आलू तो आपका 1800 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेगा, निश्चित तौर पर लिख लेना, मैं अन्यथा की बात नहीं करता हूँ, आपका भी आलू बिकेगा। किसान साथी, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर है बाराबंकी से। बाराबंकी में आलू जो है 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर R1 बिकना जो है प्रारंभ हो गए हैं। कोल्ड स्टोरेज से आज जो सूचना मिली है उसके अनुसार आज जो है एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर 1300 रुपए प्रति कट्टा में जो है R1 आलू बिके हैं। और R1 आलू की डिमांड इन दिनों नेपाल में देखी जा रही है। नेपाल में आलू की डिमांड बढ़ने से आलू के रेटों में उछाल देखा जा रहा है। वही हालत जो है हॉलैंड की हो चुकी है, लॉकर की भी हो चुकी है।
कंचन आलू भी अपने पूरे स्वाब पर है। जहां तक अगर हम बात करें तो 1350 रुपए की दर पर कंचन आलू भी बिकना शुरू हो गए हैं, वही जो है श्रीनाथ भी इसी दर पर बिक रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ से आलू में 300 से 400 रुपए की और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, और इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। किसान साथियों, एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी यह है कि बांग्लादेश आलू निर्यात भारत से दोबारा से शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुए समझौते के क्रम में बांग्लादेश में पहले से ही आलू की फसलें कमजोर थी, और जो है इस बार जो है वहां पर कम उत्पादन ने शेख हसीना सरकार की मुसीबतों में और बढ़ा दिया है। वहां पर महंगाई आलू पर इस कदर चरम पर है कि वहां पर सरकार के प्रयास जो है नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरकार ने प्याज निर्यात की अनुमति जरूरी थी, लेकिन निर्यातकों ने प्याज निर्यात को रोककर सितंबर से अक्टूबर तक भारत से आलू निर्यात करने का फैसला कर दिया है। हिली दिनाजपुर बॉर्डर, चांगरा बांदा बॉर्डर और दो और बॉर्डरों से आलू जो है एक बहुत लार्ज क्वांटिटी, यानी कि जो निर्यातकों से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, यानी कि बंगाल के रास्ते जो है बांग्लादेश के लिए 2 करोड़ पैकेट जो है निर्यात जो है सितंबर अक्टूबर तक किया जाना है। तो ऐसे में बंगाल के आलू में भी तेजी और पनपने की पूरी पूरी संभावना है। बंगाल में इस समय पर आलू 1450 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश आलू निर्यात होने से बंगाल के मार्केट में आग लगने की पूरी संभावना है, और आलू के रेट 1800 रुपये प्रति कट्टा भी बंगाल में जो है पार करने की स्पष्ट रूप से संकेत दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश से जो निर्यातकों की जो आलू निर्यात के लिए जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उसमें जो है केबाइस, हॉलैंड, ज्योति और आगरा का सबसे बड़ा लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी के नाम से मशहूर 3797। तो अनवरत रूप से अब ये उन किसानों के लिए बहुत बड़ी बिगेस्ट खुशखबरी है जो आलू को अपने हाथों में रखे बैठे हुए हैं, और आलू से इस वर्ष अच्छा दाम भी लेना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है जब आपका आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा क्रॉस कर जाएगा, और ये सब होगा आपके आत्मबल से। ये घबराहट और ये लीचड़पने वाली बातें जो लुगाई की पंचायत होते हैं ना, लेडीज पंचायत है, कोई हमारा 1300 1400 1500 ही खरीद ले, ये तो आप भैया आपको बंद करनी पड़ेंगी, और ये भी बंद करनी पड़ेगी कोई हमारा 1300 ही ले लेके हमारे यहाँ 1100 ही बिक रहा है कि 1200 ही बिक रहा है। हमेशा याद रखिए, आलू हमेशा हवा से बिकता है, और जितना हवा तेज होगी उतना ही बवंडर का रूप लेता है, जितना बवंडर का रूप लेता है उतना ही आलू जो है राज करता है, तेजी की रफ्तार चढ़ता है। किसान साथियों, सरकार ने जो आपके लिए जो फैसला किया है वो काबिले तारीफ है, और निश्चित तौर पर आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा होगा। यहाँ तक कि जो कह रहे थे ना हाइब्रिड या हल्के फुल्के आलुओं को, उसमें भी जो है 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है देखी जा रही है। अगर गुल्ला आलू की बात करें तो गुल्ला आलू पे भी 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। मुझे लग रहा है कि गुल्ला भी 1400 1450 के आसपास पहुंच जाएगा, और बगान ने चाहिए तो 1500 भी गुल्ला बिकने के पूरे पूरे चांस है। वहीं किर्री 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है बिकना शुरू हो गई है, जिसे गोली बोलते हैं। तो आने वाले दिनों में तो आलू का तो राजा बनना ही बनना है, लेकिन राजा बनना है आप लोगों के सहयोग से। और किसान साथियों, आज थोड़ा मंडी भावों के बारे में बात करें तो मंडी भावों में आज पूना में 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक आलू जो है बिके हैं। वहीं चेन्नई की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो की किसान साथियों दर पर आलू जो है बिके हैं, जिस समय पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चेन्नई की मंडी के भाव आपको सुबह कुछ ग्रुपों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो जो स्पष्ट है वो ये है। तो ऐसे में चाहे आप हाइब्रिड किसान हो, 3797 हो, चिप्सोना हो, R1 हो, लोकर हो, श्रीनाथ हो या हो कंचन, सभी आलुओं में विशेष तौर पर तेजी देखी जाएगी। और खास तौर पर मैं जो हूँ कानपुर मंडल के जो मिडल उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें औरैया है, कानपुर है, इटावा है, फरुखाबाद है, बाराबंकी है, तो ऐसे में यहाँ के किसान साथियों को बहुत बड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है कि देखो हमने भी वही किया जो सोनू चौधरी ने कहा, और निश्चित तौर पर हमें उस आलू के अच्छे रेट मिले। मंदड़ियों ने, किसान विरोधी लोगों ने, और जो आलू को सस्ती दरों पर खरीद कर मुनाफा कमाने वालों ने अपनी माँ बहने करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम एक ऐसे बंदे के साथ जुड़े रहे थे जिसने जो कहा वही हमको आलू का रेट मिला।
किसी को कम तो किसी को ज्यादा, लेकिन सबको 1600 रुपए प्रति कट्टा के पार के रेट मिले। निश्चित तौर पर आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको आलू में से तेजी लेने से किसी का माई बाप भी नहीं रोक सकता। किसान साथियों, बहरहाल मेरे साथ वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों को थोड़ा भी विश्वास है कि ये होने वाला है तो वो अपने आलू की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दें, क्योंकि एक बड़ी खबर अभी बताने से मैं रह गया, थोड़ा दिमाग से उतर गई। किसान साथियों, पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में साल का पहला एक भीषण डीप डिप्रेशन चक्रवाती सिस्टम जो है उग्र रूप ले रहा है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पश्चिम भारत और यहाँ दक्षिण भारत में जो है 8 दिन लगातार भीषण बारिश होगी। किसान साथियों, ये भी एक कारण जो है आलू में तेजी का बनेगा, क्योंकि भारी बारिश में हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद होती हैं। जब बर्बाद होती हैं तो आज सबकी निर्भरता जो है आलू पर बढ़ती है, और किसान साथी जब आलू पर बढ़ती है तो आलू में तेजी आती है। स्कूल कॉलेज खुल गए, उसका ही परिणाम देख लो, 150 रुपये कट्टे की जो है तेजी आलू पर देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब हरी सब्जियों की आवक मंडियों में कम होगी तो आलू का ही रेट बढ़ेंगे। तो ये वो कारक हैं। आलू कहाँ, हमारा जो है दिल्ली की मंडी या जयपुर की मंडी या कानपुर की मंडी में यह खरीदा जा रहा है, और बाहर जो है फुटकर में हमें 40 रुपए किलो खरीदने को मिल रहा है। तो यानी कि सबसे बड़ा जो है फ्रॉड यहाँ पर इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। और बदनाम किसको करते हैं, बदनाम करते हैं सोनू चौधरी को कि ये कर देगा वो कर देगा, क्योंकि सोनू चौधरी की आड़ लेकर ही ये कमा रहे हैं। और लेकिन अब सोनू चौधरी जो है किसान का ही हितकारी है, और किसान अगर सोनू चौधरी के साथ डटे हुए हैं तो आलू में तेजी भी मिलेगी और ऐसे बहरूपियों का भी चेहरा जो है बेनकाब होगा, और जब बेनकाब होगा तो ये जो है बगले झांकते नजर आएंगे। और मैं आप किसानों से स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, दिल्ली के यूट्यूबरों को अपना माई बाप और अपना भगवान समझना बंद कर दो, अन्यथा आपके ही आलू पर ये जो है 200-200 रुपये 300-300 रुपये जो है वसूलने और लग जाएंगे। फिर जो आज जो रेट 1300-1400 के चल रहे हैं ना मंडी में, वही रेट जो है 900 के हो जाएंगे। फिर आप देखते रहना, क्योंकि बाप और भगवान बनाने का नतीजा आप सबने देख रखा है। हाथरस का सिकंदर था, वो अपने माँ बाप और अपने सास ससुर को कोई घास नहीं डालता था, बाबा के चरणों में पहुंच गए तो उसे भगवान और उसे जो है अपना माई बाप मानने लगे थे। देख लो क्या हालत हुई, 150 से ज्यादा मर गए। तो यही हालत जो है ये यूट्यूबर कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपने इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, इन लोगों की वीडियो देखना नहीं छोड़ा, तो आप जो है बर्बाद होंगे निश्चित तौर पर, ये मान लेना। क्योंकि फिर कोई ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोक सकता है, और इसे अगर कोई रोक सकता है तो आपका संयम बरतना, इनकी वीडियो देखना बंद करना, तभी आप जो है अपने आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा ये जो है लुटेरे किस्म के लूटते रहेंगे।